एक हमने पिछले महीने 10/4/2023 को निगम प्रबंधन को नोटिस दिया था कि रात्रि हमारा ओवरटाइम नाइट दिया जाए, अन्यथा 7/5/2023 को हमारा निगम का कर्मचारी जो है, निगम का ड्राइवर कंडक्टर जो है, वो रात्रि सेवा के लिए जाएगा लेकिन एडवांस लेकर जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये निगम प्रबंधन और सरकार को ये चेता देना चाहता हूं कि आज तक ना हमारे से वार्ता की गई, ना आज तक हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। तो आज की प्रेस वार्ता का जो मेन मकसद है वो निगम प्रबंधन और सरकार को ये सीधा सीधा चेताना है कि वो इस भ्रम में ना रहे कि 7/5/2023 का जो हमने नोटिस दिया है, हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर कनेक्टर दुखी है, पीड़ित है, और दुखी होकर, मजबूर होकर वो 7/5/2023 को निगम के जो 2500 कम से कम 2500 रात्रि सेवाएं जो जाती हैं उस पर हमारा निगम का कर्मचारी जो है सेवाएं नहीं देगा, अगर देगा तो एडवांस लेकर जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे तरह तरह के ड्यू, जैसे 50,000 एरी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गया है, किसी डिपार्टमेंट में दो दो किस्तें मिल गई हैं, लेकिन आज तक परिवहन निगम के कर्मचारियों को वो नहीं मिला। 3% डीए अभी हाल ही में दिया, वो हमें नहीं मिला। इवन डैम हमारी सैलरी के लिए हमें हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, पिछले महीने भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब 13 तारीख को जाके सैलरी मिली, आज भी वो टाइम आ गया कि आज 3 तारीख होगी, अभी सैलरी का कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी दुखी बात यह है कि जब जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब हमारे को सैलरी दे दी जाती है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जी घाटे का रोना रोया जाता है। तो मैं सरकार और प्रबंधन को ये बता देना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की वजह से HRTC घाटे में नहीं है, अगर HRTC घाटे में कर्मचारियों की वजह से है तो पैसा बताएं, हम उसमें अपना वो करेंगे, लेकिन अगर जब HRTC के सेवाएं हम निरंतर दे रहे हैं, जहां हमें भेजा जाता है, जहां हमें ड्यूटी दी जाती है, हम ड्यूटी अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो घाटा कर्मचारियों की वजह से नहीं है। अगर घाटा कर्मचारियों की वजह से है तो कर्मचारियों के हिसाब से इस HRTC को चलाया जाए, कर्मचारियों के हिसाब से जो है रूट चलाया जाए। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि HRTC को अगर फायदे में लाना है तो ड्राइवर कंडक्टर जैसे जिस रूट पे बोलता है उस रूट पे गाड़ी चलाई जाए, हम 1 साल के अंदर HRTC को फायदे में ला के दिखाएंगे। तो HRTC जो है वो कोई प्रॉफिट और लॉस के लिए चलाई हुई संस्था नहीं है, ये समाज सेवा के लिए चलाई हुई संस्था है। तो सरकार और प्रबंधन इसकी ओर ध्यान दें, इसमें स्थाई कैटेगरी फ्री चलती है, हम ये नहीं बोलते कि फ्री नहीं चलनी चाहिए, फ्री चलनी चाहिए, पूरा हिमाचल प्रदेश इसमें फ्री चले, लेकिन हमारे जो ड्यूज है उनको टाइम पे दिया जाए। इसीलिए हमने जो नोटिस दिया हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार सरकार और प्रबंधन से एक अपील कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समय रहते 6 तारीख 5 बजे से पहले संगठन को वार्ता के लिए बुलाया जाए और इसका स्थायी हल निकाला जाए, अन्यथा 7/5/12 बजे के बाद कोई भी रात्रि सेवा जो है वो हिमाचल पथ परिवहन निगम की नहीं जाएगी, हम रूटों पे नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो एडवांस लेकर जाएंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।